अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ हरी प्याज वाले समोसे। जी बिल्कुल ऐसे बनेंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। तो मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, हरी प्याज की क्वान्टिटी मैंने ज़्यादा ली है और इसको रफली चॉप किया है। इसमें कोई भी और प्याज नहीं डलेगी सिवाय इसके स्प्रिंग अनियन के, ठीक है। और इसमें ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेरा बीफ का कीमा है, तकरीबन एक पाव जितना कीमा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा पिसा हुआ है, धनिया कुटा हुआ है और लाल मिर्ची है थोड़ी सी, हल्दी है और गरम मसाला पाउडर है और हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें बीच में ऐड करेंगे समोसे के बीच में। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा। मैंने ऐसे ही कीमा डाला और उसमें अदरक लहसुन डाला और दो ये साबुत मिर्चें मैं डाल रही हूँ। इसका मतलब ये है कि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। ये मिर्चें को हम बाद में रिमूव कर देंगे, हमें इससे कोई फिर लेना देना नहीं होगा। ये मिर्चें सिर्फ खुशबू के लिए जाती हैं ताकि आपके समोसे का टेस्ट डबल हो जाए। अब देखें, मैंने इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें कुछ और ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अब मैं इसको कैप दे के 5 से 10 मिनट में ये कीमा रेडी हो जाता है। बस ये हमारा इतना हमें इसको करना है, पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अब देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं इसको नीचे से हल्के हल्के हाथ से निकाल रही हूँ। ये मिर्ची मैंने रिमूव कर दी, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है और बहुत फ्लेवर इसका टेस्ट और डबल हो जाता है। अब ये कीमे को हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया। इसको गरम में कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है। ये चॉप की हुई मैंने मिर्ची थोड़ी सी इसमें ऐड की है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा पुदीना। स्टेप बाय स्टेप हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें स्प्रिंग अनियन, जिसकी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी वो ज़्यादा है क्योंकि हमारा इसका फ्लेवर ही हमारा स्प्रिंग अनियन का है। इस वक्त मौसम है तो मैंने कहा चले स्प्रिंग अनियन से ही हम बनाते हैं। अब ये सब मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे खुशबू के लिए। हम ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करते हैं तो वो उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर कभी नहीं आएगा आपके समोसे में। और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ड्राई, मैंने पहले इसको धोया सारी चीज़ों को, फिर इसको मैंने ड्राई किया, इसके बाद इसकी कटिंग की है। हम ये गलती करते हैं कि हम सब उसमें डाल देते हैं जब हमारा गरम कीमा होता है, इस वजह से हमारे समोसे नरम हो जाते हैं, हर चीज़ सॉफ्ट हो जाती है। हमें हर चीज़ को ड्राई करके इसमें डालना है। और ये देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने समोसे को बनाया है। दो स्टेप में मैं बताऊँगी आपको। अब इसी तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। अब देखिए, इसके कोने जो है ना, उसको मेन उसको आपको है ना बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है, वरना आपके समोसे के अंदर ऑयल चला जाएगा और आपके समोसे सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें हमने कोई भी आटा हो आपके पास, चाहे मैदे का हो या घर की रोटी का आम आटा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, वो भी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसके पेस्ट इस तरीके से बना के हम इससे फोल्ड कर सकते हैं। अब ये मेरा दूसरा स्टेप आया है। देखें, अगर आप वैसे नहीं बना सकते तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। पहले हमने कीमा डाला, फिर हमने इसको इस तरीके से मूव किया और फिर ऊपर से हम दोबारा इसको मूव करेंगे। कोनों कोनों को ध्यान से कीजिएगा, कोने खुले ना रहें और ये पट्टी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब इसी तरीके से हम इस पर भी यही आटे की ये जो पेस्ट है वो हल्का सा इसको लगा के हम इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो कितना इजी है समोसा बनाना आप देखें, इसमें कोई कुछ भी इतना नहीं है मुश्किल, हर काम आसान है अगर इंसान करना चाहे तो। तो मैंने कहा चले आपको दो स्टेप में मैं ये बता दूं कि किस तरीके से समोसे को फोल्ड करता है। ये देखें, सब जगह से हम लोग ने फोल्ड किया है, कहीं से भी आपको ये खुला नज़र नहीं आएगा। अब ऑयल को मीडियम लो फ्लेम पर रखना है, इसको तेज़ आँच पर कभी नहीं पकाइएगा, वरना आपके समोसे की जो क्रिस्पीनेस होती है वो नहीं आएगी और आपके समोसे बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे बनाना है, बहुत स्लो आंच पे, मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है हमें। और इस तरीके से थोड़ी देर के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद इसको टर्न करना है। और जितना आपको कलर चाहिए इस हिसाब से आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा डार्क कलर में खाता है तो मैंने जो बाज़ार में मिलते हैं इसी तरीके का कलर मैं लेके आई हूँ, मगर स्लो फ्लेम पर लेके आई हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से ड्रेन कर लें इसका ऑयल बिल्कुल भी, और ये आपके समोसे हो गए रेडी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सपोर्ट का मुझे बहुत तेज़ी से इंतज़ार होता है।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।